ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी मोदी अमित शाह कहाँ बैठा है, क्या करा है, इतना सा वो लोग बात दिए तो 24 घंटे वो ब्रेकिंग न्यूज होता है सबूत के साथ। देश बिकने नहीं दूंगा बोला पूरा देश, जब जब 70 साल जो वो लूट के चले गया बोला, ये 10 साल 15 साल में पूरा देश को बेच दिया, क्या बचा है। अब जो सरकार जो किसानों की जो जमीन है उसके पीछे भी लग गया, बची जो बची थोड़ी बहुत है उसको भी बेचने के लिए लगा, डेढ़ साल के लिए उसको पोस्टपोन करेगा बोल रहा, क्यों डेढ़ साल के लिए पोस्टपोन करेगा। जय जवान जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, हम ही जवान हम ही किसान, हम ही जवान हम ही किसान, आवाज दो हम एक है। ये उत्तर कोरिया का जो सनकी तानाशाह जो किंग जोंग उंग है उसी तरह हिंदुस्तान को ये लोग करने चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा दिन अगर उत्तर कोरिया बन गया तो ये लोग खाना खाने के लिए भी इतने ग्राम खाना है, इतना ग्राम हगना है, ये लोग अगर नहीं करे तो कोई एक पागल सिपाही आके बोला, मेरे वीडियो को निकाल के आप लोग देखते रहना। एक और पूर्व सैनिक है, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो जिसके तहत बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, शांति से वो लोग भी बैठे थे, और उसमें भी जिस तरह से कोई पिस्टल लेके घुस जाता है, उत्पात मचाता है, आज किसान के आंदोलन में भी यही सब चीज़ें दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान सतर्क है, सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सर आप देखे हैं, दो महीने से किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, ये लोग चाह रहे थे कि ये जिस दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे वहाँ आके अशांति फैलाना है, वो अराजकता के लोगों को लेके जो करना है वो लोग करके उसमें कामयाब हो गए। जैसे कि आप लाल किला 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता है, मैं आज के डेट में भी बताता हूँ कि आप लाल किला पे हमारे जैसा फौजी नहीं जा सकता है, एक सिविल आदमी दीप सिद्धू जैसा वहाँ पे कैसे पहुँचा, तो आप उसको जानते हो कि 7 RCR में जाके उनके घर में जाने का, आप हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, कोई अगर वो प्रधानमंत्री के घर में जाके कोई अगर ऐसा फ़ोटो, आप कभी फ़ोटो उतरे, जब ऐसा शख्स जाके वहाँ फ़ोटो उतर के वो शख्स जाके लाल किला पे एक धार्मिक अपना झंडा वहाँ पे लगा के किसानों को जो बदनाम किया इसको घोर निंदा करते हैं, ये किसानों को बदनाम करके किसानों का आंदोलन को ख़त्म करने का ये लोग एक रणनीति ये लोग बनाई है, बना के उसके बाद यहाँ पे 28 तारीख को जिस तरीके से आप खुद पहला क्वेश्चन किए हैं, आप खुद देखें कि किस तरीके से किसानों को मार के भगाएंगे, ये करेंगे, कोई एक विधायक कुछ चड्डी गैंग कुछ लोगों को लेके आके क्या क्या करने का सोचा था, पर उसके बाद जैसे किसान घर भी नहीं पहुंचा, जैसे किसानों के ऊपर यहाँ पे हमला होने की जैसे बात सुने तुरंत वापस हो गए, फिर ये चड्डी गैंग वाले चड्डी उठा के भागने लगे। जय जवान जय किसान। लेकिन एक बात, एक सवाल मेरे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर देश का चौथा स्तंभ अगर सही रिपोर्टिंग किसान का कर रहा होता तो किसानों को 2 महीना यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर वो सरकार से सवाल पूछती तो, किसानों की मौत पे सवाल पूछती तो, ये चौथा स्तंभ के नाम पे जो गोदी मीडिया बन चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ चाहे वो असंतोष की आवाज़ हो या सरकार के प्रोपगेंडा को फैलाने का काम कर रही है। सवाल यहाँ पे ये है कि हर आंदोलन को बदनाम करने का ही सिर्फ इनको ठेका मिलता है, लोग असंतोष की आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को ये कभी सही दिखाने का ये ज़रूरत नहीं कर पाते आज के डेट में। सर मैं 2 महीने से देख रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पे जैसे आप जैसे सोशल मीडिया वाले आके पूरे हिंदुस्तान को जो किसान की जो असलियत आके दिखा रहे हैं, ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी मोदी अमित शाह कहाँ बैठा है, क्या करा है, इतना सा वो लोग बात दिए तो 24 घंटे वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। किसान आंदोलन में यहाँ पे ठंडी में किसान मर रहा, कोई किसान के बारे में नहीं दिखाया। आपने हमारे एक सर से आपने क्वेश्चन किया कि जो जवान जो है अभी घायल हुए उन जवानों को जो देखने के लिए अमित शाह गए, अमित शाह जो अमित शाह साहब से मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर यही हमारा किसान अन्न नहीं उगाता तो तुम वो नहीं खा के अगर नहीं खाओ नहीं खाए जैसे जाके तुम ये करके दिखाओ, हमारा अन्नदाता यहाँ मर रहा है, तो कोई एक नेता एक चड्डी गैंग वाला भी आके किसान की क्या हालत है क्या स्थिति है, जब हमारा एक किसान नौजवान बच्चा घर का एक लौता बच्चे को गोली मार के ITO पे गिरा दिए, कोई एक सिपाही भी आके नहीं
पूछा, एक कुत्ते के बच्चे जैसे शाम को उठा के जो आंदोलन में लेके आ गया मंच पे रखे, इससे बड़ी दुख की बात क्या है साहब। ये उत्तर कोरिया का जो सनकी तानाशाह जो किंग जोंग उंग है, उसी तरह हिंदुस्तान को ये लोग करने चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा दिन अगर उत्तर कोरिया बन गया तो ये लोग खाना खाने के लिए भी इतने ग्राम खाना है, इतना ग्राम हगना है, ये लोग अगर नहीं करे तो कोई एक पागल सिपाही आके बोला, मेरे वीडियो को निकाल के आप लोग देखते रहना, ये लोग के अगर उत्तर कोरिया जैसा ये करना चाह रहे, वो एक संसद पार्लियामेंट के अंदर क्या नाम था उसका साधु, वो बोलता था हम पूरा संविधान को ख़त्म कर देंगे। आप देख रहे हो पूरा संविधान को ख़त्म कर रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते हैं लोग, ये लोग इनका पूरा एकदम आरएसएस वाले पूरा देश को बर्बाद करने के लिए करें। आज हमारा अन्नदाता ये हमारे लिए ये लोग आंदोलन कर रहे, देश की जनता नहीं समझ रही। आज हमें जो 50 रुपये चावल जो मिल रहा, आने वाले दिन में अंदानी ये लोग स्टोरेज करके ये जो चावल आज 1 किलो हम जो खरीद रहे वो 500 रुपये में जब खरीदेगा ना, जब देश की जनता को, जब योगी क्या है, मोदी क्या है, ये रंडुओं को जो सरकार बना के हम प्रधानमंत्री बनाए, एक योगी यह उत्तर प्रदेश को संभाल रहा रंडुआ, एक प्रधानमंत्री रंडुआ जिसको बच्चे नहीं है वो गरीबों की क्या तकलीफ जानता है, इससे ज्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो ये हमारे साथ रिटायर्ड जो पूर्व सैनिक है वो लोग थे। एक सवाल मेरा और है कि अन्ना हजारे ने आज किसान के जो बिल के उनको क्या पहले कह रहे थे ये गलत है, अब उनको सही नजर आने लगा है। सर अन्ना हजारे का जो आंदोलन एक बार जो चला वो सिर्फ एक हम जो देश की सेवा किए, हम जो बात करते हैं जहाँ सच्चाई है सच्चाई की बात करते हैं। जो उनका एक आंदोलन एक तरीके से था, वो जो तरीका वो अपना दिए, जो चड्डी गैंग को जो सरकार बनाने के बाद में, उसके बाद आज तक अन्ना हजारे आके कोई किसान का आंदोलन हो, किसी के साथ अन्याय हो, क्यों आवाज़ नहीं उठाते इस पर। एकदम उन्होंने आरएसएस वालों के साथ मिले हुए हैं, ये जब से ये सरकार आई, जब से जितने अन्याय हो रहे, क्यों अन्ना हजारे ने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया, अगर किया है तो दिखा दो। एक जिस भ्रष्टाचार के लिए किया था तो क्या अन्ना हजारे ने लोगों को भी गुमराह किया, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो भारत और मतलब नीचे सरक गया साहब। जब 5% भ्रष्टाचार है, अभी तो प्रधानमंत्री बोले मेरे पास वीडियो आपको दिखा दूंगा सबूत के साथ, देश बिकने नहीं दूंगा बोला पूरा देश, जब 70 साल जो वो लूट के चले गया बोला, ये 10 साल 15 साल में पूरा देश को बेच दिया, क्या बचा है। अब जो सरकार जो किसानों की जो जमीन है उसके पीछे भी लग गया, बची जो बची थोड़ी बहुत है उसको भी बेचने के लिए लगा, डेढ़ साल के लिए उसको पोस्टपोन करेगा बोल रहा, क्यों 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करेगा, 1.5 साल के बाद फिर दोबारा किसान आके आंदोलन करेगा। ये जो काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, जहां किसान का पसीना बहेगा, हम खून बहाने के लिए जैसे देश के लिए खून बहाए वैसा आज भी हम खून बहाएंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं और किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल चतुर्वेदी जी आपसे, गोदी मीडिया तो ऐसा लगता था कि 28 जनवरी की रात को सैंपल लेके बैठी हुई है कि जैसे ही आंदोलन खत्म हो जश्न मनाए। बिल्कुल, मैंने कहा था कि जमी तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया अंत हम करेंगे। गोदी मीडिया का जश्न उनके जो ये उनके चरण पादुका धोते हैं, रात को उनके घरों में जाते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए तमाचा है। आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देख लो गोदी मीडिया, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर आज यहाँ पेश हो रही है। न कभी तिरंगा झुका है न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है न टूटेगा, यही भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। तुम गोदी मीडिया चाहे तुम कुछ भी कर लो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। सुन लो गोदी मीडिया, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, हम ही जवान, हम ही किसान, हम ही जवान, हम ही किसान, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जिनके विचार आपने सुने, और गाजीपुर बॉर्डर पे जो गोदी मीडिया का मंशा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, और गाजीपुर पे किसानों का जत्था, मैं ये समझता हूँ कि जो भीड़ यहाँ पे 26 जनवरी को थी उससे भी दोगुना भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, और टिकैत साहब के एक आह्वान पे घर घर से सब निकल के यहाँ के पहुँच चुके हैं, और पूरी तरह से ये आंदोलन अपने शबाब पे है। शुक्रिया, नमस्कार।